कैसे हैं आप सभी लोग। अगर ये व्लॉग आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है जतिन शाह, ये है अपर्णा शाह और हमारे चैनल का नाम है अपर्णा जतिन शाह। तो आज का व्लॉग में थोड़ा सा ट्विस्ट स्टोरी है। सो हुआ ये है कि दो तीन दिन पहले आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, सो आई वॉज होम और अकू और जतिन बहुत जोर से बोल रहे थे कि हमें जाना है डिकैथलन, बिकॉज एक तो हेलमेट लेना था बिकॉज वी स्टार्टेड साइकिलिंग आउटसाइड ऑफ द सोसाइटी, तो ऑब्वियसली दैट वॉज रिक्वायर्ड ड्यू टू सेफ्टी रीजंस। एंड उसके संग हमारा बास्केटबॉल हो गया था, तो आई टोल्ड जतिन कि बास्केटबॉल ले आना और क्या हेलमेट ले आना और एक क्या हो रहा था, मैं मैप लगा रही थी ना जब साइकिल पे, तो वो नीचे था, तो एवरी टाइम आई वॉज लुकिंग नीचे, आई वॉज गेटिंग स्केर्ड कि ट्रैफिक एंड ऑल सामने है, सो आई वॉन्टेड अ प्रॉपर स्टैंड ऑन टॉप ऑफ दिस बाइसिकल दैट आई राइड, कि वो ऊपर ही मुझे ट्रैफिक भी दिखे और मुझे मैप भी दिखता रहे। तो आई टोल्ड हिम दीज थ्री थिंग्स, बट बिकॉज मम्मा डिडंट गो, फादर एंड डॉटर वेंट। वी थॉट इतना सारा सामान ये दोनों उठा के ले आए कि आई थॉट हॉल बना ही देना चाहिए। और जितना भी सामान मैं लेके आया हूँ ना वो सारा यूजफुल है, क्योंकि हम लोगों ने साइकिलिंग स्टार्ट किया, आई थिंक मैं 10-12 किलोमीटर जाने लगा हूँ, अपना 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक जाने लगी है। 7 लास्ट आई वेंट 7 बिफोर आई गॉट अनवेल, सॉरी अबे एक प्लस माइनस चलता है। तो ये जो चीज़ें मैं लेके आया वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है आई गेस, तो मैं आपको दिखाता हूँ। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये चीज़ अगर हम लोग साइकिलिंग कर रहे हैं या आप भी साइकिलिंग करते हैं तो वो चीज़ यूजफुल है या नहीं। बिल्कुल, हर चीज़ थोड़ी ना यूजफुल होती है, हेलमेट चाहिए होता है, सामने का सेफ्टी बस देखने की। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी बास्केटबॉल खो गई थी, तो बास्केटबॉल खो गई तो हम लोग एक नहीं दो लेके आए एक्चुअली, अपेरेंटली सो रिक्वायर्ड। और अपर्णा ने आते ही नाम लिख दिया यहाँ पे, कोई पता नहीं बच्चे बहुत सारे खेलते हैं कहीं इधर उधर हो जाए तो यार खो जाती है चीजें, इतने बच्चे होते हैं। दिस इज फॉर आकू, दिस इज साइज 5, ये आकू सिंह के लिए लेके आए और ये 7 नंबर, सो दिस इज फॉर अस। और ये सारी चीजें अगर मुझे Amazon पे मिलती है तो मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, क्योंकि हमारे पूना में तो डिकैथलन खुला है, बहुत सारी जगह शायद अगर ओपन नहीं होगा तो आप लोग ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, और ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है। So next is helmet, बहुत ही amazing है, एकदम comfortable है। मेरे बाल खराब हो गए। So this costed around 4,000 each helmet, but इसपे हमने थोड़ा सा expensive इसलिए लिया because we wanted to make sure कि इसकी quality अच्छी है because it is for safety purpose. So yeah, so that this is the one that we bought. आते हैं और भी 700-800 से लेके very expensive ones, but this was like the mediocre, but it would have kept our skull in shape if we fell ever. तो जब वहाँ हेलमेट लेने गए हम तो उन्होंने बोला कि आप हेलमेट डायरेक्टली ना पहने, किसी चीज़ से कवर कर लें, या बंडाना हो या फिर कुछ हैंडकरचीफ हो बड़ा आपके पास हो आप कवर कर लें, लेकिन उसने और एक ऑप्शन बताया हमको कि सर आप ये खरीदें। सो दिस इज बेसिकली वो मेन बंडाना होता है ना वैसा है, so you can like put it and sir pe ab baal kharab ho jayenge isliye main kar rahi hu, I'll put it in the picture. So this costed around 399 each, so ye extra tha jo Jatin Shah ko lane ki zarurat nahi thi. Uske baad jaise ki ab hum log cycling karne lage so hum leke aaye ye bhi overacting chahiye nahi, ye bada ka hai aur ye hand gloves hai mere. So this particular one costed 699 and जो जतिन के पास है that was around 900. इस ये थोड़ा सा और fluffy है। और colors हमने ये इसीलिए चुने हैं क्योंकि मेरी cycle जो है वो है black and orange और अपना की जो cycle है वो है black and fluorescent green. So अगर आपने मेरे पिछले vlogs देखे हैं तो मेरे पास बहुत सारे bags हैं, अच्छा लगता है मुझे different color के bags रखना, जैसे मेरे पास blue है, brown है, red है, yellow है. So मेरे पास black नहीं था और ये बड़ा क्यूट सा है, इसकी कॉस्टिंग है 199 ओनली. तो जो चीज लेने गए थे तीन चीजों में से एक चीज ये है जो ओरिजिनली मैंने मंगाया था, इसमें क्या है कि आगे आप मोबाइल भी रख सकते हैं और साइड में दो पॉकेट्स भी हैं, सो आप यहाँ पे अपने हैंडकरचीफ हो गई या फिर बॉटल्स हो गए या फिर टॉवल हो गया ये यहाँ पे आप कैरी कर सकते हैं. सो आई थिंक ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा. इसका प्राइस है 999, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन आई थिंक all these things are worth it. So this was basically जो मैं बोल रही हूँ, पर थोड़ा सा आप left में जाओ ना, मेरे ऊपर घुस गए तो ऐसे. मैं view में नहीं आ रहा था. पीछे जाओ. हाँ. So basically ये जो दिखाया है ये वो जो cycle होती है handles होते हैं उसके बीच में लगता है. But these are all the things that you should take if you are cycling because it's very important to keep yourself safe. तो आपको आजकल मुझे जबरदस्ती swimming कराने ले जाती है.
अगर कभी हम लोगों ने ब्लॉग बनाया उसका तो मैं दिखाऊंगा, वो अब बहुत अच्छी स्विमिंग करने लगी, न्यू है लेकिन अब बिना फ्लोटर से वो स्विमिंग करने लगी है। तो अब स्विमिंग जाते हैं तो स्विमिंग पूल में रूल है कि आपको कैप पहननी पड़ेगी। मेरे पास कैप नहीं थी बिकॉज ऐसे कभी स्विमिंग की नहीं और जरूरत भी नहीं पड़ी। नॉर्मली वी यूज्ड टू गो टू रिसॉर्ट्स एंड ऑल, तो वहां इतने स्ट्रिक्ट होते नहीं है, बस हम नदी में नहाते तो वहां में जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। सो आई गॉट दिस दिस कैप व्हिच वाज अगेन नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आपू की दो कैप्स थी। आई टोल्ड हिम कि उसको थोड़ा खींच के पहन लो। तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। अरे खींच के क्या पहन लो, कार्टून बने उसमें अलग अलग, वो बच्चों के संग जाते तो कैसा अजीब सा लगता है। हाँ तो बापी तो बोलते हैं मुझे बड़े नहीं होना है। बड़े नहीं होना, लेकिन वो बच्चों वाली चीज है ना, वो तो छोटी भी है, ये एकदम परफेक्ट फिट आती है। और उसके संग मैंने लिया ये, द नेक्स्ट दैट दे बॉट फॉर आपू, जो मैंने उस टाइम बहुत गुस्सा किया था व्हेन दे गॉट इट एंड शोड इट टू मी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा उसके पास बहुत सारे शेप्स के थे, शी हैड लाइक स्टार शेप, देन सम मिकी माउस, मिनी माउस, आई डोंट नो व्हाट ऑल, सो आई फेल्ट कि और लेना नहीं चाहिए था। बट देन व्हेन शी इज यूजिंग इट, शी वाज टेलिंग मी कि मम्मा पहले वाले में ना वो होता था कि पानी चला जाता था, फॉगी हो जाता था व्हेन शी यूज्ड टू गो डाउन, तो मैं उसको ऐसे खाली करती थी पानी निकाल के, नाइस टू बी लाइक वेयर इट्स, शी वाज सेइंग मम्मा इसमें जो ये वैक्यूम है ना, दिस पर्टिकुलर पार्ट दैट यू ऑल कैन सी, ये वाला जो पार्ट है, इसके चलते वो फॉगी नहीं हो रहा है, सो शी इज एबल टू डाइव अंडर वाटर एंड शी इज ऑल्सो एबल टू, पानी अंदर नहीं जाता, तो शी वाज सेइंग कि मुझे बार बार निकालना नहीं पड़ रहा है। सो आई हैड थॉट दैट दिस वाज अ स्प्लर्ज, बट दिस डिड मेक सेंस। और इसका प्राइस है 1399। वन दैट वी बॉट फॉर आश्रिका इज 999। अब ये लेने गए तो आकू चुप कैसे रहती, आकू के पास कम से कम 5 स्विमिंग कॉस्ट्यूम होंगे, लेकिन उनकी डैडी कहीं पाँव से छोटा है, कहीं डैडी फिटिंग खराब है, तो हम आकू के लिए लेके आए पहनने का फेज था, तो मैंने वो 3-4 खरीद लिए थे, और छोटे होते बच्चे तो बड़े क्यूट भी लगते हैं, बट अब ऑफ आई थिंक फॉर द पास्ट 2 years शी इज नॉट लाइकिंग टू वेयर दोज, हमेशा पता नहीं क्यों कॉन्शियस हो रही है, सो विच इज ओके। और इसका प्राइस था 1200 rupees। उसके बाद टोटल वेस्ट अगेन, उसके बाद स्विमिंग करने गए तो क्या क्या होता है कि हम लोग घर के टॉवल्स ले जाते हैं, तो घर के टॉवल क्या होता है, बैग भर जाती है हमारी उसमें, सो हमने लिए हैं ये टॉवल्स। चेक आउट द कलर यार, कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। जब ये लोग लेके आए थे मुझे बहुत जोर से गुस्सा आ रही थी कि ऑलरेडी इतने टॉवल्स पड़े हुए घर पे, फिर से ले आए 3। बेसिकली दीज आर कॉल्ड ड्राई टॉवल्स, तो ये बहुत ज्यादा वाटर सोक नहीं करते और बहुत जल्दी सूख जाते हैं। So for holidays, if you're traveling to these bungalows and all, and if you're using it for swimming pool, it's a genuine buy, जो मुझे अब समझ आ रहा है, पहले मैंने बहुत चिल्लाया था, and फिर colors भी इन लोग ने गड़बड़ कर दिए थे, he got boring color for himself, I don't know why, he told me I bought this for you and this for Ashika, knowing me, मतलब I need a new one, तो फिर मैं और आकू ने फिर decide किया कि हम दो week रख लेंगे दोनों। ये color मैंने choose किया था, लेकिन आकू ने बोला मुझे ये चाहिए, तो फिर मुझे लगा कि पिंक कलर बहुत सारा पिंक पिंक है घर में, तो फिर मैं ये कलर अपने के लिए लेके आया और ये कलर मैं अपने लिए लेके आया। अनदर टोटल वेस्ट। और जैसे कि अब हम साइकिलिंग करने लगे तो क्या होता है, बार बार पहले बासुदा में जो मेरी जगह है, मेरा घर है, वहाँ तो क्या है 2 मिनट में कहीं भी पहुँच जाते थे, लेकिन यहाँ रहते तो यहाँ पे साइकिल की अगर हवा निकल जाए तो बड़ी समस्या है, कोई कार में डालो उसको वहाँ तक लेके जाओ, हवा फिल करो फिर लेके आओ, तो मैं लाया हूँ ये क्या वेस्ट है यार। अभी मोहित लोग आए थे तो एक साइकिल की हवा निकल गई थी, तो आई थिंक अगर ये होता हमारे पास में तो हम तो ये उस टाइम था, आप भूल गए थे, उसके पहले आपने खरीद लिया था। बात यही होती है ना कि याद नहीं होता टाइम पे। तो ये आई थिंक कुछ 200-300 का है। 300 का नहीं है, 600 समथिंग का था। 600 वो क्या होता है ना, प्राइस याद इसलिए नहीं होता क्योंकि लाते हैं कुछ और प्राइस पे और फिर अप्पू को कोई और प्राइस बताई जाती है कम, जिससे कि अप्पू चिल्लाए नहीं, तो इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन नहीं रखने का। ये थी हमारी सारी शॉपिंग डीकार्टलन से, और आप बताइए इसमें से कितनी चीजें वेस्ट थी और कितनी चीजें सही थी। ठीक है okay. मैं बोल रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग यही बोलेंगे कि नहीं जितनी चीजें हम लेके आए वो सारी की सारी यूज, 2 या 3 जेन्युइन यूज था जो सेफ्टी के लिए चाहिए होता है। एनीवेज सो आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो दैट वी क्रिएटेड, एंड अगर हमें इसका डीकैथलन एंड अमेज़न पे लिंक मिलेगा वी विल डेफिनेटली पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू आर एंजॉयिंग द वीडियो, एंड अंटिल वी सी यू गाइस अगेन कीप शाइनिंग।